दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए स्वास्थ्य ज्ञान एंड हेल्थ जीवन को, बेल का नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे दोबारा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर आपके स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी मैं लेके आया हूँ दोस्तों। दोस्तों हर कोई व्यक्ति पतला होना चाहता है और दुबला दिखना चाहता है, लेकिन दुबले होने का ये मतलब नहीं कि आप शारीरिक और मानसिक तौर से दुबले हो। दुबले होने का मतलब है आपकी बॉडी दुबली हो लेकिन आप फिट हो। आप लोग जानते ही होंगे अक्षय कुमार की उम्र और उनके दुबलापन के बारे में, वह कितनी एक्सरसाइज और खान पान का ध्यान रखते हैं। लेकिन हम इतना नहीं रख सकते, हम जितना रख सकते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाला हूँ। उसके लिए पूरे वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। दोस्तों हमें क्या करना होता है दुबले होने के लिए, तो बहुत सारे ड्रिंक्स आपने सुनी होगी, लेकिन मैं आपको ऐसा नुस्खा बताने वाला हूँ जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है फिर भी आप दुबले हो जाएंगे। दोस्तों पहला काम आपको ये करना है, सुबह उठते से ही सबसे पहला काम आपको ये करना है कि गुनगुना पानी, मतलब आपको उठते से ही गर्म गुनगुना पानी पीना है, जिससे कि आपको आपका बॉडी मेटाबॉलिज्म जो है अंदर से जो आपकी बॉडी को मोटा हो कर रहा है बहुत कम हो जाए। गरम गरम पानी के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को चेंज करते हैं और आपकी बॉडी को दुबला होने में मदद करते हैं। दोस्तों बहुत बेसिक काम है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। रोज़ सुबह उठने के बाद पहला काम आपको ये करना है, हल्का सा गर्म गुनगुना पानी कर लीजिए। अब ये मत समझिए कि अब गर्मी आने वाली या सर्दी आने वाली, लेकिन आप रेगुलर कर लीजिए तो आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे पतला होगा और आपकी बॉडी एकदम टोन हो जाएगी धीरे। दोस्तों सबसे पहला काम ये हो चुका। दूसरा काम हमें करना है कि कुछ भी हमें खाना है उसे डिवाइड करके खाना है। लोग सुबह बोलते थे कि सुबह और शाम, हमें 3 से 4 बार खाना है। दोस्तों सबसे ज़रूरी है आपको नाश्ता करना। आप नाश्ता कीजिए दोस्तों, नाश्ता को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। नाश्ता बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। नाश्ता करने के बाद 2 घंटे बाद आप दोपहर में आप जो 3 या 5 रोटी खाते हैं उसे डिवाइड कर लीजिए। आप उसे 12 बजे खाइए और एक 3 बजे खाइए, तो आपकी बॉडी में इतना इफेक्ट नहीं रहेगा। जितनी पहले रोटी खाते थे उतनी खाजी खाना होगा आपको, लेकिन डिवाइड करके समय का ध्यान रखते हुए। जहाँ आपके मील 2 बार थे उसे 4 बार कर दीजिए, ये एक बॉडी का पार्ट रहेगा। रात को सोने से पहले आप जब आप सोते थे उससे 3 घंटे पहले खाने का काम कीजिए और हल्का फुल्का वॉक कर लीजिए। बेसिक काम है, आप आराम से कर सकते हैं, आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक काम है, एकदम बेसिक काम है, आप जो कर लोगे। और हर कोई व्यक्ति दुबला होना चाहता है तो उसको कम से कम इतना करना होगा। और सबसे लास्ट काम, आपके जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना है। बाहर के खाने से मेरा मतलब है जंक फूड, जो बर्गर और पिज़्ज़ा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों। वो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए और 3 महीने रेगुलर कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका वज़न बिल्कुल दुबला हो जाएगा दोस्तों। इतनी शुभकामनाओं के साथ फिर आपसे मिलेंगे दोबारा। धन्यवाद दोस्तों।